राम श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतियै नमः। श्री रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, कबीर धाम की, भौरम देव श्री हाटकेश्वर महादेव की, खेड़ापति श्री हनुमान जी महाराज की, खेड़ापति हनुमान दादा की, अपने अपने मताई बाप की, दंतेश्वरी मैया की, कवर्धा के पागलों की, आज के दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम की दिव्य शक्तियों की, भारत हिंदू राष्ट्र की, श्री सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी महाराज की, नमः पार्वती पते हर 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 हर। साधु जी बालाजी, ओ साधु जी कहो कैसे हो, ठीक हो, आनंद में हो? चलो हम भी ठीक ही हैं। हनुमान जी की कृपा, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों के प्रताप से आज कवर्धा की इस धरती पर 3 दिवसीय हनुमत महायज्ञ में हम लोग पधारे हैं। यह हनुमत महा कथा यज्ञ के अंतर्गत आज द्वितीय दिवस में श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा प्रसाद का समस्त मानवों के कल्याण के लिए, समस्त जनों के हितों के लिए और वर्तमान समय में नाना प्रकार की व्याधियों से जो ग्रसित लोग हैं उनको मार्गदर्शन देने के लिए 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जा रहा है। बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो जरा। हनुमान जी की बड़ी कृपा, अग्रवाल परिवार के अंतर्गत यह आयोजन करवाया जा रहा और पूरे क्षेत्र में एकदम भक्तिमय माहौल बना हुआ है। पूरा क्षेत्र एकदम राममय है। मेरे पागलो, तुम लोग भाग्यशाली हो कि हम सब मिलकर के आज बागेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से सबकी अर्जी सुनी जाएगी। और एक और बड़ी गंभीर बात हम आपको बताएं, अर्जी तो लगनी ही है, पर आज हम आपको एक ऐसा उपाय देंगे कि आपको दुनिया के किसी भी तांत्रिकों से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी महाराज और बालाजी की कृपा से तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। बोलो जय सियाराम, दोनों हाथ उठा के बोलो जय सियाराम। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। तो हम सब बागेश्वर हनुमान जी का ध्यान करके उनका आवाहन करते हैं कि वो पधारें और हम सब पर कृपा करें और हम सबकी अर्जी को स्वीकार करें। एक बात हम बड़ी गंभीरता पूर्वक बता दें, पर्चा बनना जरूरी नहीं है। बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठ गए, समझो आपकी अर्जी लग गई है। आप प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप प्रारंभ कर दो। लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो।
महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, अथवा तीन महीने में या छह महीने में भी एक बार आप बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम आपको वचन देते हैं, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आपको तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा होने लगेगी। और जो मनोकामना को लेकर आप अर्जी लगाओगे, पर्चा बने या ना बने, सामूहिक अर्जी लगाने से वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। बोलो जय सियाराम। और देखो सच बात तो यह है, पर्चा तो बहाना है, असलियत में तुम लोगों को बालाजी का बनाना है। हम चाहते आप एन कैन प्रकार बालाजी के हो जाओ, ताकि आपको दरबारों में ना भटकना पड़े, तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, ओझाओं गुनियाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े। हनुमान जी महाराज सर्वसमर्थ हैं, उनके पास समस्त शक्तियां हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ऐसे कलयुग के राजा श्री हनुमान जी महाराज का तुम ध्यान भर करो, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं, लौट कर तुम्हें मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। बोलो जय सियाराम। दोनों हाथ उठा के बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की। इसीलिए हमारे प्रिय जनों और हमारे पागलों, आप सब जो जो दरबार में विराजमान हैं, एक बात याद रखना, तुमने बहुत भटक लिया, बहुत दरबारों में ठोकरें खा ली, जगह जगह धक्के खा लिए, अब तुम इन चक्करों में पड़ना बंद करो, हमारे भी तुम चक्कर में पड़ना बंद करो। अगर तुम्हें पड़ना ही है तो जिनके बल से हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके बल से हम तुम्हें मार्गदर्शन दे देते हैं, ऐसे बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओ। और अगर अभी नहीं जागे तो धर्म विरोधी ताकतें तुमको मिटाने का प्रयत्न करेंगी, तुम्हें बर्बाद करने का प्रयत्न करेंगी। और इतना ही नहीं, ये धर्म विरोधी ताकतें भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाएंगी, लेकिन अब हम छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। हम कल रात को यहां से कथा करके सीधे खेड़ापति हनुमान जी के दर्शन करने गए थे। हमारे मन में था कि हम पहले ही कर लें, पर विलंब हो गया था, लेट हो गए थे, तो कथा के तुरंत बाद दर्शन करने गए। लेकिन तब वहां से हमारा मन नहीं माना, यहाँ के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छे हैं, हमने उनको संकेत किया कि हमको लालपुर गांव जाना है, तो बोले क्यों, हमका कुछ बात है, हमको जाना है लालपुर गांव में। जो साधराम यादव बेचारा साधारण परिवार आया है, उनका परिवार भी आया, साधारण परिवार है, बैठने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं, लेकिन धर्म विरोधियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व उनकी उस बेचारे की निरसंस हत्या कर दी। हमसे नहीं रहा गया, हम उसके परिवार में जाकर के हमने धर्म विरोधियों को यह चुनौती दी कि अब तुम सावधान हो जाओ, वरना तुम्हें भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। बोलो जय सियाराम। और मेरे पागलो और कवर्धा के सनातनीय हिंदुओं, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कवर्धा जिले में इन धर्म विरोधियों की दुकानें बंद होकर के रहेंगी, या तो इनकी ठटरी बढ़ेगी या यहां से इनकी गठरी बंधेगी। हां, जो भी सनातनीय हिंदुओं के ऊपर अब उंगली उठाएगा, हम आपको प्रण दे करके कहते हैं, हम तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। और देखो, हम नफरत वाले नहीं हैं, ना हम किसी से विरोध करते हैं, ना हम किसी के विरोधी हैं, ना हम किसी मजहब से घृणा करते हैं,
लेकिन हाँ हम हिंदुओं के कट्टर थे, कट्टर हैं और सनातनी कट्टर रहेंगे। और तुम भी बुजदिल मत बनो, जागो। आज उस बेचारे साधराम परिवार के ऊपर बीती है, कहीं कल हमारे तुम्हारे ऊपर ना बीते। छह मुसलमानों ने मिलकर के गला काट करके हत्या कर दी। साधारण सा परिवार है बेचारा, एकदम दीनहीन है, हमसे रहा नहीं गया। सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, पकड़े गए, बुलडोजर चलवाई गई, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन एक और है, उनको फांसी दी जाए। और हमने कल रात को ही प्रण लिया, देखो हम नेताजी तो हैं नहीं, जेब भी हमारी गर्म नहीं रहती, हम तो हमारी तो कथाओं में भी हम दक्षिणा के लिए ना तो घोषणा करवाते हैं, ना गौ माता के नाम पे लेते, ना आश्रम के नाम पे लेते, हम तो घोषणा भी हमारे मंचों से नहीं होती है, तो दक्षिणा तो जो हमें यजमान जी दे देते उसी में हमारा काम चलता। लेकिन हमारे पास चेला खूब मोटे मोटे हैं, तो हमने कल रात को ही अपने प्रिय शिष्य बसंत अग्रवाल जी जो रायपुर वाले हैं, बहुत समाज सेवा करते यहीं खमरिया, खमरिया के निवासी हैं, उनको हमने आज्ञा दी कि इस परिवार की तुम नगद मदद करो। और भगवान की कृपा से वो परिवार आज आया है, और अगर बसंत जी यहाँ हो तो वो आ जाएं, उनको जो है कुछ नगद राशि तुरंत 3 लाख रुपया हमारी तरफ से दे दी जाए। सरकार जब देगी तब देगी, उनको आप नगद दीजिए। और भी कुछ लोग यहां बैठे हैं अमीर लोग, थोड़ा थोड़ा तुम भी उनकी मदद कर दीजिए। यजमान जी कहां गए कथा के? कथा के यजमान कहां है? उठो इधर आओ, तुम्हारी जेब में कितने रुपया है निकालो, निकालो। हाँ दीजिए, हमको दीजिए। हाँ लाइए, तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? धन्यवाद, जेब खाली करो। हाँ हमारे नितेंद्र जी कहाँ हैं? तुम डाले भाई, कुछ तुम भी दो, मंगवाओ। धन्यवाद, जरा तुम भी लाओ। धन्यवाद, हाँ ठीक, और थोड़ा तुम भी मदद करो। धन्यवाद। देखो आज तक हमने कभी मांगा नहीं, अपने लिए हम मांगते नहीं हैं, लेकिन ये हमें अपने लिए नहीं चाहिए, ये परिवार यादव परिवार है, बहुत ही दीनहीन परिवार है, और हम ऐसे वैसे कोई साधु नहीं है कि जो मांगने वाले साधु हों, लेकिन इस परिवार के लिए हम गुरु होने के नाते तुम लोगों से दक्षिणा ले रहे हैं, अगले जन्म में हम चुका देंगे। हाँ अब अगला जन्म होगा तो चुका देंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या चुकाएं। अब कोई भी उनके परिवार से आ जाए, ये ले ली, आओ। उनकी धर्म पत्नी आई हुई है, बेटा भी आया है, बेचारे साधारण परिवार था, गौ सेवा करते थे गौशाला में, उन्होंने उनको रोका कि तुम नशा मत करो, उनकी गला काट करके हत्या कर दी। लेकिन तुम चिंता ना करो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए मदद है, ले लो इसे, तुम ले लो धाम की तरफ से, ये सब इन शिष्य मंडल ने मिलकर के दी है, इसको तुम रखो, खर्च करो। और बहुत मजदूरी करते हो आप भी? मजदूरी करते हो? कहाँ मजदूरी करती? ये माइक ले लो, कहाँ मजदूरी करती? गौशाला मोर बेटा गरुआ चरा से आवा सुबह 6 बजे। अच्छा, 9-10 बजे घर जावा है, दिन भर चरा बहु आवा खाना धर के जी, अब 9-10 बजे घर जावा। अरे राम राम, वो दिन जावे नहीं करी बेटा, जावे या, नहीं ऐसे इन्हें दे दे, इन्हें सौंप। 9 बजे वो खर खतरा कर दी, काट डाला उन्होंने। किस बात पे काटा था? मोर बेटा है। आपका बेटा है? हाँ। बेटा जरा तुम लो माइक, मोर बेटा माइक लो, तुम इस बच्चे को दे दो बेटा, इनका उनका बेटा है, तुम साधराम के बेटे हो। क्या नाम है तुम्हारा? योगेश्वर यादव। हाँ क्या करते हो तुम? मजदूरी करता हूँ। क्या हुआ था पूरा विषय? पापा जी सुबह जाते थे 5 बजे और गौ सेवा करते थे गौशाला में। हाँ उसके बाद शाम को आए पापा जी, नहीं आ पाए, तो सुबह पता चला उसका गला काट कर हत्या कर दिया। अरे राम राम, चलो चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं,
कि हमारी तरफ से तुम मदद लो। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब चिंता ना करो, उन धर्म विरोधियों को तो वो पकड़े गए, अब इस कवर्धा जिले में हम ऐसा नहीं होने देंगे। अच्छा अब घर जा सकते हो। सीताराम, माता 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 ऐसा मत करो, माँ ऐसा मत करो। अरे राम राम, बड़ो बेटा तो तुम आओ। अरे राम राम, जी माँ चलो, तुम चिंता ना करो, तुम चिंता ना करो, बस रो ना माँ, का करत मूर्ख ना लायक है। मुकेश जी कुछ तुमको भी लगना है। हाँ तुम कहाँ खाली खाली जा रहे, तुमको भी दक्षिणा लगनी दे देना, इन 51,000 परिवार को दे देना, हमारी दक्षिणा मत देना, हमारी काट लेना, हमारी जगह तुम काट लेना, नो प्रॉब्लम, हमारी जो दक्षिणा देनी हो उसमें काट लेना। सीताराम, साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। देखो ये हाल है कवर्धा जिले का, और तुम हिंदुओं के होते हुए बेचारे यादव परिवार के साधारण परिवार का यह हाल कर दिया, क्या अब तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा दोबारा हो? तो हिंदुओं में एकता कौन कौन चाहता है? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलेगा चलाएगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई धर्म विरोधी हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाएगा तो कौन कौन ठटरी मारेगा? पक्का कि कच्चा? पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो हनुमान जी की चूरन चटनी अकृपा है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। बोलो जय सियाराम, जय सियाराम। और उस गांव के लोग जो भी हो, लालपुर गांव के लोग हैं कोई यहां? लालपुर गांव के हैं? हाँ, आपको हमारी आज्ञा है, आप लोग उस गांव के हो, इन लोगों की मदद करनी है, जितनी हो सके यथास्थिति गुरु आज्ञा मानकर मदद करो, और हम फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, फिर से आएंगे हम। और अब चिंता मत करो, हम कवर्धा आना नहीं छोड़ेंगे। हाँ यहां आते ही रहेंगे, अपने लिए नहीं, सनातन के लिए। और आप लोग आज से हमारा परिवार हो, अब तुम्हें डरना नहीं है, उनको डराना है। बोलो जय सियाराम, ताकि ये जितने भी ऊ वाले हैं ना, हम बहुत गुस्सेल आदमी हैं, हमको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ती, लेकिन छोड़ो हटाओ, उनकी ठटरी भरे। अब आज का दरबार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं। मन में सब लोग नाम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो आपकी अर्जी स्वीकार हो, सामूहिक अर्जी सबकी लगाई जाएगी। कथा का समय 4 बजे से ही रहेगा, आज भी कथा होगी और कल भी कथा सुनाई जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की। जिनकी अर्जी जिन्हें भी बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाना है, लहसुन प्याज मांस मंदिरा बंद करना है। ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना है। 2 महीने में 3 महीने में जब भी आपको समय मिले पेशी करना प्रारंभ कर देना, जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी और काम भी सफल हो जाएगा, ये हमारा आशीर्वाद है। हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? जोर से बोलो, बागेश्वर धाम की। किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है, बालाजी की महिमा है। हम तो कुछ नहीं जानते,
हमारी पीढ़ी दरबार चल रहा। हमारे दादाजी भी यही करते थे, उनके भी दादाजी यही करते थे। तीसरी पीढ़ी में आग ही को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, रोज देख रहे, हर महीने बागेश्वर धाम पर हर मंगलवार 1.5 से 2 लाख लोग धाम पर जाते हैं, रोते हुए जाते हैं और वहां से हंसते हुए आते हैं। खाली हाथ जाते हैं और बागेश्वर बालाजी के दरबार से झोली भरकर लेकर आते हैं। ऐसा दरबार है बालाजी का, स्वयंभू हनुमान जी हैं, स्वप्रकट बालाजी हैं, कहीं मेहंदी पर बालाजी के रूप में हैं, कहीं सालासर बालाजी के रूप में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर बालाजी के रूप में हैं। हमारे दादाजी के दादाजी ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था, तब बालाजी प्रकट हुए थे। उन्होंने कहा कहो क्या चाहिए, तब हमारे सन्यासी बाबा बोले यहां जो भी आवे उसकी झोली भर जावे। तो बालाजी ने कहा जाओ आज से हम यहीं बैठे गड़ा गांव में, और आज के बाद जो भी बागेश्वर धाम आएगा झोली भरकर लेकर जाएगा। उसके बाद दरबार लगने लगा, हमारे दादाजी दरबार लगाते रहे 40 साल तक। फिर हम 9-10 साल के थे, तब गुरुजी ने हम पर कृपा कर दी, सेवा में लग गए। बस आज हमें 15 साल हो गए सेवा करते करते। लाखों लोग, भारत तो ठीक है, हनुमान जी के बल पर, हनुमान जी की सिद्धि पर, उनके प्रभाव से विदेशों में जो अंग्रेज हाउ आर यू हाउ डू यू करते थे, वो भी सीताराम कर रहे हैं। और भारत में तो ठीक है, लंदन में, मॉरिशस में, नेपाल में, फिलीपींस में, अब हम अमेरिका जा रहे हैं, और लंदन की संसद में जब हमको बुलाया गया 9 मिनट का हमने वहां पर प्रवचन सुनाया, और लंदन की संसद में भी जय श्री राम के जय घोष लगवाए, लंदन में भी हनुमान जी का वंदन हो गया। वहां के जब अंग्रेज, एक बहुत बड़ा अधिकारी हमारे पास मिलने आया, हमने हनुमान जी का नाम लिया, तो पहले तो वो पांव के ऊपर पांव रख के ऐसे जूता पहने था, हमारा दिमाग खराब हो गया, हम तो महात्मा आदमी, हमारा दिमाग खराब हो गया। हमने उसके खोले पर्चा, अंग्रेज की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, और अंग्रेज भी बोला हू दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उसको कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल। ऐसे बागेश्वर हनुमान जी हैं। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है बोलो 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 बोलो, किसका है? बागेश्वर बालाजी का। इसलिए हमसे नहीं जुड़ना, किससे जुड़ना? हम तो तुम्हारी तरह साधारण हैं, गुरुजी की कृपा है, हनुमान जी ने हमें सेवा के लिए चुना है, हमारा प्रण है जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। और एक बात और, तुम लोग निराश मत हुआ करो कि गुरुजी हमें मिले नहीं, हमसे बात नहीं की, चिंता मत करो, एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, और तुम सोचो गाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, तो क्या दोनों एक साथ हो सकते? धैर्य रखना पड़ेगा। हम भी इंसान हैं, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, खूब कोशिश करते, रातों भर जागना पड़ता और खूब लोगों को मिलना पड़ता, लेकिन प्रयत्न करते हैं, कोई निराश ना जाए। आप चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या हमारे बालाजी की है। देखो हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, ताली बजवाने नहीं आए हैं, हम तुम्हें हनुमान जी का बनाने आए हैं। इसीलिए आए ताकि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम इसीलिए आए ताकि तुम्हारी कोई भगवान के नाम से हंसी ना उड़ाए, हम इसीलिए आए तंत्र मंत्र करके तुमको तांत्रिक परेशान ना करें और तुम्हारा शोषण ना करें और तुम्हारा धन बर्बाद ना करवाएं, हम सिर्फ इसीलिए आए कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े और तुम्हारी आस्था का खिलवाड़ ना हो, मजाक ना हो और खिल्ली ना उड़े। हम चाहते हैं तुम एक ऐसा उपाय पा जाओ जन्म जन्म भर के लिए तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाए।
बोलो सीताराम, जोर से बोलो, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। एक बात और आप बताओ, आप हमसे एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? प्रत्येक का, प्रत्येक का कौन कौन चाहता, जरा हाथ उठा। पक्का? हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। सुनो, तीन शर्तें हैं हमारी, मानोगे? पूछो कौन कौन सी। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो साधारण इंसान हैं, पापी जीव हैं, बहुत ही नालायक हैं, अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं, ना समझ हैं। हमारे चक्कर में मत पड़ो, पढ़ना ही है बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। दूसरी शर्त सुनो, लहसुन प्याज मांस मदरा बंद करके महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, पांच महीने में भी एक बार, शनिवार या मंगलवार की बागेश्वर धाम जाकर पेशी करना प्रारंभ कर दो। तीसरी शर्त सुनो, जब कभी बालाजी के दर्शन करने का मौका मिले, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों की ठटरी बारते, तुम भी उन्हीं बालाजी के सामने जाकर खड़े होकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। पूछो उससे क्या होगा, पूछो। जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे घर पर खड़ी नजर आएगी, तुम्हारे साथ नजर आएगी। जब जब विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की सेना तुम्हें बचाने चली आएगी। तुम चिंता मत करो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है? जोश में के होश में, कच्चा की पक्का? दो चार दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का, पक्का। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो रावण से जुड़ना चाहते हैं क्या? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बालाजी की है। जो भी हमारे पास चूरन चटनी या सिद्धि है, हम तुम्हें वचन दे रहे, भले ही बात ना हो पाए, तुम्हारा काम नहीं रोकेगा। बोलो जय सियाराम। लेकिन नियम का पालन तो करना ही पड़ेगा, इसलिए घर पर आप बागेश्वर बालाजी का विग्रह रख के नियम शुरू कर दो, हम सेना भेज देंगे। आज का दरबार प्रारंभ, जिन्हें बुलाएं वही आना, पर्चा ध्यान पूर्वक पढ़ना, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। तुमने क्या पूछा, हम क्या बता रहे, तुम्हारी हिम्मत नहीं है, हम तुम जो पर्चे पर पूछोगे वह पहले से ही लिखा हुआ मिलेगा। यही कलयुग में हनुमान जी की कृपा है। किसकी कृपा? बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं, किसका है? देखो हमारे पास है वाईफाई, हम दिखा रहे तुम्हें। सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पे, इसमें सिग्नल आते हैं। जो देखो, तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, कि फिर बाद में कहो गुरुजी हमारा वीडियो बन गया। हम भर थोड़ी बना रहे, बहुत से लोग यहां मोबाइल लिए, कैमरा लिए, अब वो बना देंगे, कहीं न्यूज पे डाल देंगे, हम क्या करें? इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको, हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। आप पूछोगे हम बताएंगे। देखो दुनिया का ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। हाँ, जो हमारे हनुमान जी, इसीलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। अच्छा ये धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर, ये धमकी नहीं है ना, ना, ना। ये तो हमने आपको सूचना होती ना, सूचना जनहित में जारी,
ये हमने आपको सूचना दी है, तो वही पूछना जो तुम सुन सको। और हाँ, हम आपकी समस्या का प्रदर्शन करने नहीं बैठे, हमें समाधान देना है। हम समाधान देंगे, बालाजी कृपा करेंगे, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, कह दिया जाएगा, इस गद्दी से, तीन पीढ़ियों के दरबार से, हमें हनुमान जी पर भरोसा है, तुम नियम का पालन करोगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद पेशी, काम होगा होगा, होकर के ही रहेगा। ये हमें अपने बालाजी पर भरोसा है। बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते हर 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 हर, हर।